अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स लटक। अच्छा यार, आप लोगों ने जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले तो आपके पास एक एरर आया होगा कोई भी रीयूज कंटेंट का या कुछ भी, तो उसके लिए फिर आपने की होगी अपील। जैसे ही आपने अपील की होगी तो आपकी अपील करने के बाद ये एरर आपके सामने आया होगा, चैनल URL वाज नॉट इंक्लूडेड। आवर रिव्यूअर्स फाउंड डैट द वीडियो फॉर योर अपील डिड नॉट इंक्लूड योर चैनल्स URL इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो। यानी कहने का मकसद है कि जो आपने अपील की थी, वीडियो बना के डाली अपील के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें पहले 30 सेकेंड के अंदर आपने उनको अपना चैनल का URL नहीं दिखाया और ना आपने उनको अपना कंटेंट दिखाया। यानी ये कंटेंट मैं आपको दिखा दूं पहले किस तरीके से था, मैंने किस तरीके से अभी वीडियो बनाई है। असल में पहले हमने ये फेस वीडियो बनाई थी, ये एक मेरे दोस्त हैं उनका चैनल है, तो उनके साथ ये इशू हुआ था। फेस वीडियो बनाई तो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, फिर मैंने जो है ना अपनी अपनी वॉइस में इंग्लिश में मैंने ये एक वीडियो बनाई है, ये मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसमें जो है ना आपने अपना चैनल का URL और अपने चैनल की वीडियोस और जिस पे आप एडिटिंग करते हैं वो लाजमी दिखाना है। मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये वीडियो मैंने प्ले की, इसकी क्वालिटी मैं थोड़ी सी बेहतर कर देता हूँ क्योंकि नेट की स्पीड बिल्कुल स्लो है, 2-3 दिन से मौसम ठीक नहीं है तो लाइट आ रही है जा रही है और नेट भी नहीं हो रहा। देखें, ये मैंने अपनी वीडियोस वगैरह दिखाई है, बेसिक इन्फो में गया अपने कस्टमाइजेशन में जाके, और ये देखिए मैंने इनको अपना चैनल दिखाया। वो HD में देखेंगे उनके पास क्लियर नज़र आएगा, ये चैनल का नाम आ रहा है, उसका हैंडल आ रहा है। इसके अलावा ये चैनल का URL, ये वाला, ये फर्स्ट 30 सेकेंड में आपने अपना ये चैनल का URL इस तरीके से लाजमी दिखाना है ताकि उनको कन्फर्म हो जाए। फिर इसके बाद आप अपने जो है वो चैनल की वीडियोस दिखा सकते हैं, साथ साथ आपने बोलना भी है, उनसे रिक्वेस्ट भी करनी है। तो ये देखिए मैंने उनको जो है अपना वो कंटेंट दिखाया और उनको मैंने ये बताया भी कि मैं जो है ये वीडियोस किस तरीके से एडिट करता हूँ, इसके लिए जो है वो मैंने अपना उनको इस वीडियो में सॉफ्टवेयर दिखाया है फिल्मोरा का, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, एंड पे होगा ये देखें, ये देखें। उनको मैंने ये ब्रीफ़ किया कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और ये कंटेंट मेरा जेन्युइन है और किस तरीके से मैं ये कंटेंट जो है वो अपलोड करता हूँ। तो आपने फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना चैनल का हैंडल लाजमी दिखाना है। जब आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जब भी दिखा रहे होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, तो आपने यहाँ आना है ये इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर, सॉरी ये स्टूडियो के कस्टमाइजेशन में आना है। ये आपको मिलेगा गूगल क्रोम के अंदर आके, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो गूगल क्रोम में, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ओपन करके वहाँ पे अपना जीमेल लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अपना स्टूडियो ओपन करके फिर इस तरीके से यहाँ बेसिक इन्फो में कस्टमाइजेशन में आके बेसिक इन्फो में आएंगे और यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से उनको दिखाएंगे क्लियर करके, नहीं तो अगर आपने यहाँ नहीं दिखाना तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें और एडिटिंग जो आप वीडियो करते हैं उस एडिटिंग में इसको लगा दें, नीचे एक टेक्स्ट बार लगा दें जहाँ पर ये आपका URL अच्छे तरीके से मेंशन हो रहा हो, और उसके बाद जो है उस वीडियो को अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो मज़ीद तो मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।